गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने डीसी जनरेटर टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम डीसी मोटर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन डीसी जनरेटर के जो बेसिक कंसेप्ट थे उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, डीसी मोटर डिज़ाइन करेंगे और इसके पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे डीसी जनरेटर था तो वहाँ पर आपका क्या है कि ईएमएफ की डायरेक्शन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ज्ञात करते थे, तो यहाँ पर हम नोटेशन वही रहेगा लेकिन हम लेफ्ट हैंड रूल का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में डीसी जनरेटर और डीसी मोटर होती है, दोनों की संरचना क्या रहती है, समान रहती है, तो आप डीसी जनरेटर को एज ए मोटर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना है कि डीसी जनरेटर को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूर्णन करा रहे थे, जबकि डीसी मोटर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कराएंगे, घूर्णन कराएंगे। और आपकी जो डीसी मोटर होती है इसका यूज काफ़ी किया जाता है, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है कि आज के समय में 90% प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है, भले ही वो सिंगल फेज हो या थ्री फेज। लेकिन इसके अलावा जहाँ पर डीसी की डिमांड है वहाँ पर यदि डीसी मोटर की बात की जाए तो इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, इसके साथ साथ इसका स्पीड कंट्रोल भी क्या होता है, सबसे अच्छा रहता है। इसलिए इन दो कारणों की वजह से डीसी मोटर पॉपुलर है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं डीसी मोटर, और आज की क्लास में डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के प्रिंसिपल यानी कार्य सिद्धांत है उसमें अंतर देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए डीसी मोटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, डीसी मोटर निम्न दो कारणों से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आपकी डीसी मोटर है वो निम्न दो कारणों से प्रसिद्ध है। वो कौन कौन सा है, पहला है हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। पहला आपका क्या है, उच्च टॉर्क, ठीक है। और दूसरा है कि स्पीड कंट्रोल अच्छा रहता है, तो हम क्या लिखेंगे, गति नियंत्रण ठीक है। इन दो कारणों से क्या है, आपकी जो डीसी मोटर है वो क्या है, पॉपुलर है, ठीक है। अब ध्यान में रखना है कि जो डीसी जनरेटर था, डीसी जनरेटर उसे हम क्या कर सकते हैं, एज ए डीसी मोटर की तरह प्रचालित किया जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, डीसी जनरेटर को डीसी मोटर की तरह प्रचालित किया जा सकता है, क्योंकि दोनों की संरचना एक समान होती है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि डीसी जनरेटर को डीसी मोटर की तरह प्रचालित किया जा सकता है, क्योंकि दोनों की संरचना क्या होती है, एक समान होती है। और यदि इसके सिद्धांत की बात की जाए, प्रिंसिपल की बात की जाए, सिद्धांत, ठीक है,
तो आपने देखा होगा कि जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी कभी कभार क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक दो चुंबक ली है, एक का नॉर्थ ध्रुव है दूसरे का, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, उनके मध्य आप जब किसी तार को लेते हो और उसको किसी बैटरी से संयोजित करते हो और उसके चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो, तो हमेशा क्या है कि वो चालक हमेशा वहाँ पर वाइब्रेट यानी कंपन करने लग जाता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पर कोई ना कोई बल कार्यरत रहता है, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, खिंचाव बल कहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि इसका जो सिद्धांत होगा उसमें क्या रहेगा कि जैसे ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका क्या है, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और आपकी फ्लक्स लाइंस कहाँ से कहाँ हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हो, आप किसी चालक को रखते हो, ठीक है, और इस चालक के यहां पर सिरों पर आपने वी सप्लाई दे दी, ठीक है। सप्लाई देने के कारण इसमें क्या प्रवाहित होगा, करंट प्रवाहित होगा, और करंट के कारण इसका क्या होगा, कोई ना कोई फ्लक्स होगा, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, फ्लक्स होगा, ठीक है, इसका क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो ये फ्लक्स क्या करेगा, मुख्य फ्लक्स का विरोध करेगा। तो विरोध करने के कारण यहाँ पर क्या हो जाती है, चालक में कंपन उत्पन्न हो जाती है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, खिंचाव बल कहते हैं। तो ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हम क्या लिखेंगे, जब किसी किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो चालक द्वारा बल अनुभव किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि ये चुंबक था, इसका ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें आपने क्या रखा, एक चालक रखा, और इस चालक के सिरों पर आपने सप्लाई क्या दे दी है, वी दे दी है। तो इस सप्लाई के कारण इसमें करंट प्रवाहित होता है और करंट प्रवाह के कारण चालक में फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो चालक का जो फ्लक्स है वो मुख्य फ्लक्स का क्या करेगा, विरोध करेगा, यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होगा यहाँ पर, जिसके कारण ये इसमें क्या करने लग जाता है, कंपन करने लग जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक द्वारा बल अनुभव किया जाता है, तथा तथा इस बल का आयाम, ठीक है, इस बल का आयाम क्या होगा, F इक्वल टू BIL न्यूटन होगा, क्या होगा, BIL न्यूटन होगा, ठीक है। यहाँ पे B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, I क्या है, यहाँ पर प्रवाही धारा है, और L क्या है कि इस चालक की लंबाई है। तो यहाँ पर ये बल अनुभव करेगा, लेकिन किस दिशा में ये घूर्णन करेगा, ये हमेशा किसके द्वारा दिया जाता है, हमेशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल द्वारा दिया जाता है, जबकि जनरेटर में हमेशा राइट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे कि तथा इसकी दिशा, तथा इसकी दिशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल द्वारा
ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा ज्ञात की जाती है। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यदि हम तुलना करते हैं डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के प्रिंसिपल में, तो देखिए दोनों में क्या क्या अंतर आते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं आपका क्या है, डीसी जनरेटर है, ठीक है, और यहां पर नोट कर देता हूं आपका क्या है, डीसी मोटर है, ठीक है। तो आपको पता है कि डीसी जनरेटर में क्या रहता है, फ्लक्स रहता है, ठीक है, और कंडक्टर रहता है यानी चालक रहता है, और क्या होता है, प्राइम मूवर होता है। क्या होता है? प्राइम मूवर होता है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि डीसी जनरेटर में फ्लक्स, कंडक्टर और प्राइम मूवर। तो यहां पर प्रिंसिपल किस प्रकार से कार्य करता है कि जब किसी चालक तार को चुंबक के क्षेत्र में घुमाया जाता है, ठीक है, तो हमेशा उसके द्वारा फ्लक्स लाइंस को कट किया जाता है, जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो क्या है, फैराडे का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा फ्लक्स, चालक और प्राइम मूवर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर डीसी मोटर की बात की जाए तो इसमें भी फ्लक्स रहता है और कंडक्टर रहता है, लेकिन तीसरा यहाँ पर प्राइम मूवर रहता है, यानी यहाँ पर तो डीसी जनरेटर को घूर्णन कराने के लिए यांत्रिक बल की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, वोल्टेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इनमें डिफरेंस क्या रहता है, कि यहाँ पर उसमें क्या रहता है कि आपका यांत्रिक इनपुट रहता है और यहाँ पर क्या रहता है, वोल्टेज सप्लाई दी जाती है। यदि हम डायग्राम बनाएं दोनों का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डीसी जनरेटर की बात करें तो इसका नॉर्थ पोल और ये इसका क्या है, साउथ पोल, ठीक है। फ्लक्स लाइंस नॉर्थ से साउथ होती है, ठीक है। ठीक है, ये रहता है आपका किसका, यहां पर आपका लोड संयोजित रहता है। ये किसका केस है, डीसी जनरेटर का। डीसी जनरेटर के घूर्णन की दिशा ये होती है, डीसी जनरेटर का, ठीक है। तो यहां पर घूर्णन की दिशा, धारा अंदर की तरफ, यहां पर बाहर की तरफ, ठीक है। और यहां से इस प्रकार से ये आपका आर लोड है, ठीक है। ये केस किसका होता है, डीसी जनरेटर का होता है। जबकि डीसी मोटर के बात करें तो डीसी मोटर के केस में जैसे आपके पास ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका क्या है, साउथ पोल है। तो फ्लक्स लाइंस हमेशा कहां से कहां होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है, ठीक है। उसके बाद में इसमें भी क्या होता है, चालक रखा जाता है चुंबकीय क्षेत्र में। यहां पर इसे घूर्णन कराने के लिए हम क्या देते हैं, यांत्रिक इनपुट देते हैं, यांत्रिक इनपुट देते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए दोनों में डिफरेंस क्या रहता है कि ये आपका कम्यूटेटर, ये आपका ब्रश, और यहां पर हम क्या संयोजित करते हैं, डीसी सोर्स संयोजित करते हैं वी। अब देखिए इस सप्लाई के कारण प्लस माइनस, इस सप्लाई के कारण यहां पे क्या प्रभावित होता है, करंट, ठीक है।
तो दोनों की डायरेक्शन सेम रख रहे हैं अपन, किसकी? करंट की। यहां पर भी देखिए धारा अंदर की तरफ, यहां से बाहर की तरफ, यहां पर भी हम क्या रखते हैं? सेम रखते हैं। अब देखिए इसकी डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज आएगी डीसी मोटर की। वो कैसे आएगी वो अभी हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो संरचना में डिफरेंस देख लीजिए, यहां पे संरचना में क्या अंतर रहता है कि डीसी जनरेटर है उसमें भी फ्लक्स है और डीसी मोटर में भी क्या है? फ्लक्स। इसमें भी कंडक्टर है, कंडक्टर यहां पर भी है, लेकिन यहां पर प्राइम मूवर का प्रयोग किया जाता है कि चालक को चुंबकीय फ्लक्स में घूर्णन कराने के लिए। और जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो फ्लक्स लाइंस को कट करता है, जिसके कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है और ये ईएमएफ आपको लोड पर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है कंडक्टर है और इसे सप्लाई सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर सप्लाई आप देते हो, ठीक है। यहाँ पर सप्लाई क्या है? आप लेते हो, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से करंट प्रवाहित होगा तो इसका फ्लक्स उत्पन्न होगा, तो इस चालक का फ्लक्स होगा वो मुख्य फ्लक्स का क्या करेगा? विरोध करेगा और क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होगा, जिसके कारण ये क्या करना स्टार्ट कर देती है? घूर्णन करना स्टार्ट कर देती है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर डीसी जनरेटर है, इसमें आउटपुट क्या रहता है? वोल्टेज रहता है। और यहाँ पर जो आउटपुट रहता है वो क्या रहता है? यांत्रिक बल रहता है। अब यदि हम बात करें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की और राइट हैंड रूल की, तो यहाँ पर डीसी जनरेटर है और यहाँ पर आपका क्या है? डीसी मोटर है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर में राइट हैंड रूल लेते हो आप, हमेशा क्या लेते हो? राइट हैंड रूल प्रयोग करते हो, ठीक है। और डीसी मोटर में आप क्या प्रयोग करते हो? लेफ्ट हैंड रूल प्रयोग करते हो, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है? पहला फ्लक्स। तो यहां पर जो फ्लक्स है वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? राइट हैंड में। ये कौन सी उंगली है? तर्जना। तो यहां पर तर्जना के द्वारा फ्लक्स प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जबकि लेफ्ट हैंड रूल है उसमें भी आपकी जो तर्जना है वो किसको प्रदर्शित करेगी? फ्लक्स को, ठीक है। तो यहां पर फ्लक्स किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तर्जना के द्वारा प्रदर्शित किया, ठीक है। उसके बाद में अंगूठे की बात की जाए तो राइट हैंड रूल में अंगूठा हमेशा गति को प्रदर्शित करता है और लेफ्ट हैंड रूल में भी आपका अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है? गति को प्रदर्शित करता है। तो मोशन यानी गति, मोशन को कौन? अंगूठा प्रदर्शित करता है। और यहां पर भी मोशन को कौन प्रदर्शित करता है? अंगूठा प्रदर्शित करता है, ठीक है। लेकिन मध्यमा की बात की जाए तो राइट हैंड रूल में मध्यमा धारा या ईएमएफ की दिशा को प्रदर्शित करता है, लेफ्ट हैंड रूल में भी आपका क्या है? मध्यमा धारा या ईएमएफ की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर ईएमएफ या करंट की दिशा को कौन प्रदर्शित करता है? मध्यमा। और यहां पर आपके ईएमएफ या करंट की दिशा को कौन प्रदर्शित करता है? मध्यमा। अब यहां से आपको पता चल गया कि लेफ्ट हैंड रूल है या राइट हैंड रूल है, दोनों में जो अंगूठे पर दिया गया निशान है वो सेम रहेगा, दोनों ही अंगूठे हमेशा गति को प्रदर्शित करेंगे, दोनों ही जो तर्जना है वो हमेशा किसको? फ्लक्स को, दोनों की मध्यमा हमेशा किसको? ईएमएफ की दिशा। तो डिफरेंस क्या रहता है? अब देखिए यहां की बात की जाए डीसी जनरेटर में तो हम क्या करते थे? तर्जना को फ्लक्स की दिशा में और अंगूठे को गति। तो यहां पर ज्ञात क्या करते थे? ईएमएफ या धारा की दिशा। तो यहां पर डीसी जनरेटर में ये क्या होता था? आपका अज्ञात होता था। क्या होता था? अज्ञात,
और ये दोनों चीजें क्या होती थी, ज्ञात होती थी, ठीक है ना। तो हमेशा इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तो डीसी जनरेटर में तो हम क्या करते हैं कि आपके ईएमएफ या धारा की दिशा को ज्ञात करते हैं, जबकि डीसी मोटर में लेफ्ट हैंड रूल से आपका ज्ञात क्या रहता है, फ्लक्स ज्ञात रहता है, ठीक है। और ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन भी क्या होती है, ज्ञात होती है, लेकिन आप क्या ज्ञात करते हो, घूर्णन की दिशा ज्ञात करते हो, ये क्या होता है, अज्ञात होता है, ठीक है। तो यहां से एग्जाम में आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डीसी जनरेटर के केस में अज्ञात क्या रहता है, ईएमएफ या धारा की दिशा, जबकि डीसी मोटर के केस में अज्ञात क्या रहता है, आपका मोशन, जो कौन प्रदर्शित करता है, अंगूठा प्रदर्शित करता है। अब यदि हम बात करें डीसी मोटर में कि इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कैसे आती है, तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड रूल ले लीजिए और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि आपका चालक प्रदर्शित कर रहा हूँ इस प्रकार से, ये आपका क्या है, चालक है, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैंने क्या क्या लिया है, फ्लक्स और ईएमएफ या धारा की दिशा। तो सबसे पहले देखिए कि यहां पर इसका मतलब क्या होता है क्रॉस का, कि धारा की दिशा अंदर की तरफ है, मैंने लेफ्ट हैंड रूल लिया, ठीक है। और लेफ्ट हैंड रूल लेने के बाद मैंने फ्लक्स की दिशा में अंगुली को फैला दिया और यहां पर धारा की दिशा क्या है, अंदर की तरफ है, तो अंगूठा किधर हो गया, नीचे की तरफ हो गया, यानी कि ये यहां से किधर घूर्णन करेगा, इस दिशा, ठीक है। अब यदि यहां की बात की जाए तो यहां पर धारा की दिशा क्या है, आपकी बाहर की तरफ है, तो अंगुली को मैंने कहां रख लिया, बाहर की तरफ, ठीक है। मध्यमा किसको बताती है, ईएमएफ या धारा की दिशा को, और फ्लक्स क्या है, आपका सेम है, तो अंगूठा किधर है, ऊपर की तरफ, तो ये कौन सा होगा तो डीसी मोटर कौन सी दिशा में घूर्णन कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है इस बात को कि यहां पर डीसी मोटर में आपका फ्लक्स और ईएमएफ की दिशा क्या होती है, ज्ञात होती है। तो मैंने फ्लक्स की दिशा में तर्जना को फैलाया और यहाँ पर धारा की दिशा है अंदर की तरफ, तो मैंने अंदर की तरफ किया, और अंगूठा किधर है, नीचे की तरफ, तो ये किधर घूर्णन करेगा, नीचे की तरफ। अब यहाँ की बात की जाए कि यहाँ ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, धारा की दिशा को बाहर की तरफ, तो अंगुली को मैंने फ्लक्स की दिशा में और मध्यमा का वो धारा की दिशा में, तो अंगूठा किधर है, ऊपर की तरफ, ये नोटेशन पर, यानी डीसी मोटर किस दिशा में घूर्णन कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूर्णन कर रही है। तो यहां पर तो आपका आउटपुट होता है वो हमेशा क्या होता है, विद्युतीय होता है, और यहां पर जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, आपका यांत्रिक होता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर जो गति है उसको अज्ञात प्रदर्शित किया है और यहाँ पर जो ईएमएफ है उसे अज्ञात प्रदर्शित किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है, लिखिए, जब किसी कोयल को चुंबक के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के मध्य रखा जाता है वे कोयल को ब्रश व कम्यूटेटर की सहायता से डीसी सोर्स से संयोजित किया जाता है
किया जाता है तो लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार डीसी मोटर एंटी क्लॉक वाइज घूर्णन करती है। किस दिशा में घूर्णन करती है? एंटी क्लॉक वाइज घूर्णन करती है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, डीसी जनरेटर था, इस केस में कम्यूटेटर हमेशा क्या करता था, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता था, इसलिए यांत्रिक दृष्टिकारी कहते थे। लेकिन डीसी मोटर के केस में क्या है, आपने डीसी सप्लाई दी है तो यहां पर आपको एसी प्राप्त होगी, यानी मैकेनिकल इन्वर्टर का कार्य करेगा। तो दोनों के आर्मेचर होता है, इसमें तो हमेशा क्या उत्पन्न होती है, एसी ही उत्पन्न होती है, भले ही वो डीसी जनरेटर है, भले ही वो डीसी मोटर है, हमेशा यहाँ पर आर्मेचर में तो क्या रहती है, दोनों में एसी, और यहाँ पर दोनों में क्या रहती है, डीसी। तो यहाँ पर तो ये क्या करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, कौन, कम्यूटेटर, और यहाँ पर डीसी मोटर में क्या करता है, आपकी डीसी को एसी में, इसका मतलब ये इन्वर्टर का कार्य करेगा, ठीक है। तो हम यहां पर नोट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो डीसी मोटर के केस में कम्यूटेटर किसका कार्य करेगा, हमेशा मैकेनिकल इन्वर्टर का कार्य करता है। तो क्या लिखेंगे, डीसी मोटर के केस में कम्यूटेटर मैकेनिकल इन्वर्टर का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, मैकेनिकल इन्वर्टर का, यानी हमेशा किस में परिवर्तित करेगा, डीसी को एसी में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, आपने सप्लाई दी, सप्लाई के कारण फ्लक्स उत्पन्न हुआ, यानी कि क्या होता है कि जो एनर्जी होती है उसे ना ही तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते, नष्ट कर सकते, ना ही जनरेट कर सकते, केवल क्या करते हो कि ऊर्जा के एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप इसे परिवर्तित करते हो। तो यहाँ पर जो सप्लाई दी, ठीक है, ये विद्युतीय थी, लेकिन आपको आउटपुट क्या प्राप्त हुआ, यांत्रिक। तो हमेशा क्या है कि ऊर्जा क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, इसका एग्जांपल अपन देखें। जैसे मैंने बताया कि यहां पर क्या है, विद्युतीय ऊर्जा है, ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी ऊर्जा को ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या लिखा है कि इसमें क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होता है, तो वो कैसे लगता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें कि डीसी जनरेटर में मोटर एक्शन, तो डीसी जनरेटर में मोटर एक्शन कैसे लागू होगा,
और उसके बाद में हम देखेंगे कि डीसी मोटर में जनरेटर एक्शन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कि आप डीसी जनरेटर को क्या देते हो, यांत्रिक इनपुट देते हो, क्या देते हो, यांत्रिक इनपुट। तो वहां पर जो प्रतिक्रिया होगी वो क्या होगी, यांत्रिक होगी, क्या होगी, यांत्रिक। तो पहला पॉइंट लिखिए कि डीसी जनरेटर में मोटर एक्शन, मोटर एक्शन, डीसी जनरेटर में मोटर एक्शन। तो आपका ये डीसी जनरेटर था नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, फ्लक्स लाइंस नॉर्थ से कहां होती थी, साउथ में होती थी, ये आपका चालक होता, ठीक है। तो आप इसे क्या देते थे, यांत्रिक इनपुट देते थे, यांत्रिक इनपुट। तो आपको क्या मिलता था, विद्युतीय आउटपुट मिलता था, ठीक है। तो जैसे आपका ये जनरेटर है, ठीक है, ये जनरेटर है, इसको आप क्या दे रहे हो, मैकेनिकल इनपुट दे रहे हो, और आपको प्राप्त क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट, ठीक है। तो आप क्रिया क्या कर रहे हो यहां पर, यांत्रिक इनपुट, ठीक है। तो प्रतिक्रिया भी कौन सी होगी, यांत्रिक ही होगी, यानी यहां पर जो आप घूर्णन कराते हो किसी भी डीसी जनरेटर को प्राइम मूवर के माध्यम से, तो वो क्रिया है, और इसका विपरीत होगा वो भी क्या होगा, प्रतिक्रिया विद्युतीय, सॉरी यांत्रिक होगा। तो यांत्रिक यहां पर क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा, क्योंकि हमेशा ध्यान में रखना है कि जब किसी भी डीसी जनरेटर को घूर्णन कराया जाता है तो उसके विपरीत हमेशा क्या होता है, एक बल लगता है, ठीक है। तो यहां पर क्रिया क्या है आपकी, यांत्रिक, तो प्रतिक्रिया क्या होगी यहाँ पे, यांत्रिक ही होगी, और ये यांत्रिक प्रतिक्रिया किसके कारण होती है, मोटर एक्शन के कारण होती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर में मोटर एक्शन कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि डीसी जनरेटर में यदि क्रिया क्या है, यांत्रिक है, तो प्रतिक्रिया क्या होगी, वो भी क्या होगी, यांत्रिक होगी। और आपका जनरेटर कब घूर्णन करेगा, कि जब आप उस प्रतिक्रिया से अधिक क्या करते हो, घूर्णन कराते हो, कहने का मतलब आप उसे उच्च गति पर घूर्णन कराओगे तो वहां पर आपका जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न करना स्टार्ट कर देगा या घूर्णन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ये तो हो गया आपका डीसी जनरेटर में मोटर एक्शन, उसके बाद में आता है डीसी मोटर में, डीसी मोटर में जनरेटर एक्शन, ठीक है, क्या होगा, जनरेटर एक्शन होगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आपका डीसी मोटर में जनरेटर एक्शन, ठीक है। तो जैसे डीसी मोटर में ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल, और ये आपका क्या है, साउथ पोल, यहां पर डायरेक्शन क्या थी, क्लॉकवाइज थी डीसी जनरेटर, ठीक है। तो फ्लक्स लाइन नॉर्थ से साउथ रहेगी, ठीक है, और ये आपका क्या था, चालक था, ठीक है। इसको आप क्या देते हो, V इनपुट सप्लाई देते हो, ठीक है, और आपको प्राप्त क्या होता है, मैकेनिकल आउटपुट, यांत्रिक क्या मिलता है आपको, आउटपुट मिलता, ठीक है, यानी मोटर है, ठीक है, मोटर में आप क्या देते हो, इलेक्ट्रिकल इनपुट, और आपको प्राप्त क्या होता है, मैकेनिकल
अब देखिए डीसी मोटर में जनरेटर एक्शन कैसे होगा कि डीसी मोटर के आर्मेचर जब आपके चुंबकीय फ्लक्स में घूर्णन करेगा तो फ्लक्स लाइंस को कट करेगा। किसको कट करेगा? फ्लक्स लाइंस को कट करेगा और इसमें चालक में क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ उत्पन्न होगा और इस ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा सप्लाई वोल्टेज के क्या होगी? विपरीत। किसके अनुसार? राइट हैंड रूल के अनुसार। तो वो क्या कहलाता है? बैक ईएमएफ। और उसी बैक ईएमएफ को क्या है? एक प्रतिक्रिया है। इनपुट आपने सप्लाई दिया, दोबारा से सुन लीजिए, इनपुट में आपने क्या दिया है? सप्लाई दिया है। तो यहां पर आपका जब आर्मेचर चुंबकीय फ्लक्स में घूर्णन करेगा तो फ्लक्स लाइंस को कट करेगा और इसमें क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ उत्पन्न होगा और इस ईएमएफ की डायरेक्शन सप्लाई वोल्टेज की क्या होती है? विपरीत होती है। इसलिए यहाँ पर जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसे बैक ईएमएफ कहते हैं और वो बैक ईएमएफ क्या है? विद्युतीय प्रतिक्रिया है। किसका? सप्लाई वोल्टेज का। तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया होगी वो क्या होगी? विद्युतीय प्रतिक्रिया होगी। विद्युतीय प्रतिक्रिया होगी। क्रिया क्या है? विद्युतीय इनपुट, तो प्रतिक्रिया क्या होगी? विद्युतीय। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? जब डीसी मोटर आर्मेचर आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो फ्लक्स लाइन को कट करता है जिसके परिणाम स्वरूप ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ उत्पन्न होता है वे उत्पन्न ईएमएफ की दिशा सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होती है जिसे बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ बैक ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की संरचना एक दूसरे के समान है तो हम वहां पर जितना फ्लक्स लेके चल रहे हैं उतना ही फ्लक्स यहाँ पर है, वहां पर जितने समांतर पथ है उतने ही यहाँ पर है और जितना पोल्स हैं वहां पर उतने ही यहाँ पर है। तो जो ईएमएफ होता है ईजी बराबर ईबी, ठीक है, ये जनरेटेड ईएमएफ, ठीक है, तो ये क्या होता है? फाइ जेड एन पी बटे 60 ए वोल्ट। ठीक है, तो जनरेटर में तो हम ईजी लिखते हैं, मोटर में क्या लिखते हैं? ईबी। बैक ईएमएफ क्या है? बैक ईएमएफ। तो ध्यान में रखना है कि जनरेटेड ईएमएफ बैक ईएमएफ के क्या है? बराबर माना है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है कि जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वो सप्लाई वोल्टेज के विपरीत दिशा में है। ठीक है, इसलिए इसे नाम क्या दिया गया है? बैक ईएमएफ। ये क्या है? विद्युतीय है, तो इसकी दिशा सप्लाई की क्या है? विपरीत। तो विद्युतीय आपका क्रिया है तो प्रतिक्रिया क्या है? विद्युतीय है। तो ये क्या है? आपका मोटर में जनरेटर एक्शन है। ठीक है, तो याद से आपको ध्यान में रखना है कि जो मोटर है उसमें बैक ईएमएफ क्या होता है? फाइ जेड एन पी बटे 60 ए। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके सिद्धांत से कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, उसके बाद में आपके टाइप्स ऑफ डीसी मोटर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।